इस वाले गांव का व्यू चेकआउट करो। मैं जब से यहीं पर ही शूट कर रहा हूँ और ये पूरा सी साइड है। फिर उन लोगों ने क्या किया कि इसको उन्होंने ना कब्जा कर लिया यहाँ पे पूरे आइलैंड पे मॉरिशस के। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज रवि रस्तोगी, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो गाइज। सो गाइज ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार ही अपनी पिछली वीडियो में बता चुका था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ वो डालूंगा मॉरिशस के गाँव की, और इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ मॉरिशस के गाँव एंड यहाँ के जो कुछ यूनिक घर हैं, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आ रहा होगा, सो मेक श्योर कि यहाँ पे जाकर मेरे को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सारी कूल कूल पोस्ट डालते रहता हूँ हमेशा। एंड यहाँ पे स्टोरीज तो मेरी हमेशा रेगुलर होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कल यहाँ पे कुल्फी फलूदा बनाया था, तो मैंने वो डाला था। एंड मेरी कुछ ना कुछ आपको स्टोरीज में आपको कंटेंट मिलता ही रहेगा छोटा छोटा, है ना। एंड व्लॉग से रिलेटेड भी यहाँ पे मैं पहले से ही डाल देता हूँ, अगर आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है, सो मेक श्योर कि वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना मेरे को, ठीक है। एंड वीडियो को गाइज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जो नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ करते हैं वीडियो का स्टार्ट। गाइज ये चेकआउट करो गाँव का व्यू। इस गांव का नाम है ओलिविया। ये कॉफी है, ये अच्छा कॉफी है, कॉफी कॉमन मंदिर है। हम आ गए यहाँ पे बीच, कौन सा बीच है ये? ओलिविया बीच, गाफिस पकड़ कर आते हैं। अच्छा ले जाते हैं। ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं अपना शूटिंग करने के लिए गया था बयान वाला, तो ये वही है। यहाँ पर आके मुझे पता चल गया, ये देखो आपने वीडियो देखी होगी तो आपका आइडिया हो जाएगा, वो देखो सेम वही जगह। पुलिस का चेक पोस्ट गार्ड। तो गाइस ये चेकआउट करो यहाँ से, ये देखो देख रहे हो। तो गाइस इस वाले गांव का व्यू चेकआउट करो, मैं जब से यहीं पर ही शूट कर रहा हूँ, और ये पूरा सी साइड है। ये हमारा अभी फिशिंग का काम चल रहा है, अभी हम पूरा इसको तामझाम सेट कर रहे हैं, उसके बाद अभी फिशिंग के लिए जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो हम यहाँ पे ऐसे इसको खोद रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्रैब्स हैं जो अभी हम इसके अंदर डालेंगे। एंड इस क्रैब से हम क्या करेंगे, हम जो फिश पकड़ेंगे उसके कांटे में डालेंगे ये क्रैब, और ये देखो फिर हम लोग फिश पकड़ेंगे इससे। इन बच्चों ने एक मछली पकड़ी है, ये देखो
केकड़ा मुझे लग रहा था, जो केकड़ा नहीं था वो केचुआ केचुआ था वो, तो उसको हमने लगाया अभी और ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। गाइस ये देखो छोटी सी है लेकिन ऊंची है, ये देखो पास आके दिखाऊं आपको। तो ये गाइस अभी हम पीछे उस साइड जाने वाले हैं, वहां पे क्या है बताओ? उस साइड में ऊपर है जो जेल है, जब ब्रिटिश लोग मॉरिशस आए थे हाँ? तो उन लोगों के साथ जो स्लेव है काम करने के लिए। अच्छा स्लेव था हाँ, ये उन लोगों ये तो उनको वहां पे कैदी करके बना के रखा था। तो गाइस उसके पीछे है वहां पर और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वहां पे। खैर गलती इन कार वालों की है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे, ये टैंक्स हैं देखो ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए इन्होंने रखा था। एक उधर भी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी शिप्स आते थे तो उनको अटैक करने के लिए था। और ये आई थिंक 200 ईयर्स ओल्ड है, उससे ज़्यादा ही होगा बल्कि। ये देखो पूरा यहाँ पे सी है और यहाँ पे पीछे गाइस ये है आज को। तो इसके हिस्ट्री ये है गाइस कि यहाँ पे पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच लोग आए फिर वो चले गए, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, फिर उन लोगों ने क्या किया कि इसको उन्होंने ना कब्जा कर लिया यहाँ पे पूरे आइलैंड पे मॉरिशस के। और उन लोगों ने ये सारे यहाँ पे ये तीन है यहाँ पे ठीक है। और इन लोगों ने ये बनाया यहाँ पर कि अब कोई आएगा तो अब ये लोग अटैक कर देंगे उसके ऊपर कि यहाँ पे कोई और ना आए, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने इसको यहाँ पे पूरा हल्ला दिया। वहाँ पे ऊपर गए उनका पूरा जेल भी है, कोई आता था तो इनको वहाँ पे पकड़ के जेल में डालते थे। और उन ब्रिटिशर्स का यहाँ घर भी था। और ये अगर आप देखो वहाँ सामने ब्लैक बिल्डिंग है जो है, तो यहाँ पे इनके सारे वो रहते थे, यहाँ पे सब मशीन चलाते थे, वो वहाँ पे रहते थे पूरा रात भर और पहरा देते थे कि यहाँ से कोई सी की तरफ से कोई ना आए। ये देखो इतना बड़ा सी है, यहाँ से कोई ना आए और अगर कोई शिप्स आती भी थी यहाँ पे कब्जा करने के लिए तो ये लोग यहाँ पे अटैक कर देते थे। और ये बात है 200 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को, हिस्ट्री है ना 200 प्लस हो गए, तो 18th सेंचुरी की बात है ये जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज था। सो ये है यहाँ की कुछ छोटी सी हिस्ट्री। और अब तो ये एक वैसी एक मॉन्यूमेंट का वो बन गया है, यू नो ये बजाय टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी तक मेरे को पता नहीं था, मैं कभी आया नहीं यहाँ पे और आप मेरे को भैया लेकर आए हैं तो उन लोगों ने मेरे को दिखाया, तो मैंने कहा चलो इसे पहले मैं शेयर करता हूँ। सो गाइज आई होप ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और लग रहा है तो अभी कभी लाइक ज़रूर करो। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना सो दैट कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ मॉरिशस के कुछ कूल घर जो अंदर से एंड बाहर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ट्रस्ट मी यहाँ के अगर आप कंपेयर करोगे कि इंडिया के गाँव के घर एंड मॉरिशस के गाँव के घर, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सो उसके लिए वीडियो को नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, मैं 2-3 दिनों में जल्दी से वीडियो एडिट करके डालता हूँ। सो टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, टिल देन गाइस 360 यू बेबी गो बेबी।